दाएंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। दीपावली के त्योहार पर देश भर में हर्षोल्लास है। घर परिवार में सुख समृद्धि की कामना के लिए महालक्ष्मी का विधि विधान से पूजन किया गया। घरों और प्रतिष्ठानों में माँ सरस्वती और रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी के साथ विराजित भगवती लक्ष्मी से धन धान्य की मंगल कामना करते हुए दीपक जलाए गए। पंडितों ने मंत्रोच्चार के बीच माँ लक्ष्मी का आह्वान किया। माता लक्ष्मी को लाल वस्त्र, सिंदूर, कुमकुम, लाल पुष्प और विशेष तौर पर कमल पुष्प अर्पित किए गए। इसके अलावा सौभाग्य सामग्री, मावे की मिठाई और गन्ने की जोड़ी अर्पित करते हुए महालक्ष्मी का पूजन किया गया। घर के अंदर और बाहर, रास्तों में और मंदिरों में दीपक जलाए गए। अंधेरे पर प्रकाश की जीत का पर्व सबके मन को आनंदित करता नजर आया। पटाखों से आसमान गूंज उठा। करोड़ों रुपए के पटाखे जलाए गए। बच्चों ने अपने बड़ों के साथ मिलकर आतिशबाजी का आनंद लिया। दीपोत्सव पर बाजार दुल्हन की तरह सजे धजे नजर आए। जयपुर जितना मशहूर अपने गुलाबीपन के लिए है, उतना ही मशहूर दीपोत्सव के लिए भी होता जा रहा है। परकोटे के बाजारों से लेकर बाहरी कॉलोनियों के शॉपिंग सेंटर्स, हर कोना रोशन है। हर दूसरी गतिविधि भी जैसे थम सी गई है कि अब जो भी होगा दीपोत्सव के बाद ही होगा। बाजारों को कागज की फर्रियों और बल्बों की झालरों से सजाया गया। हर दुकान पर विशेष सजावट और रोशनी की गई। वहीं 5 दिवसीय उत्सव के तहत हर बाजार को आकर्षक ढंग से सजाया गया। अलग अलग थीम पर सजे बाजारों में रंग बिरंगी रोशनी और रौनक ने ये जता दिया कि खुशियों का पर्व दीपावली आ गया है। बाजार की रोशनी जौहरी बाजार हो या नेहरू बाजार, हर बाजार के व्यापार मंडल ने सड़कों और चौराहों को अलग अलग अंदाज में सजाया है, उसे रोशन किया है। वैसे भी गुलाबी नगर की दीपावली की सजावट देश और विदेश में पहचानी जाती है। इसे देखने घरेलू पर्यटकों के साथ विदेशी सैलानी भी आते हैं। पर्यटक सीजन होने के कारण भी यहाँ की दीपावली के पर्व का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। दीप प्रज्वलन पर ऐसा लग रहा है कि पूरे शहर में तारे जमीन पर उतर आए हैं। रंग बिरंगी रोशनी की एक झलक पाने के लिए लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। दीपावली पर पटाखों की गूंज सतरंगी आभा से उत्सव को दोगुना कर देती है। पटाखों के बाजार में नए नए पैटर्न आए हैं। दीपावली के मद्देनजर पटाखों, मोमबत्तियों और रंगोली की बिक्री परवान पर रही। पटाखों की छोटी बड़ी हर किस्म की दुकान हर गली कूचे में नजर आ रही है। लोग पटाखों को खरीदने के लिए बाजारों में उमड़े। बाजार में पारंपरिक पटाखों के साथ नए अंदाज के पटाखे महंगे होने के बावजूद इनकी बिक्री खूब रही। पटाखों और उत्साह के कारण बाजारों में रौनक परवान पर रही। प्रदेश में इस बार ग्रीन पटाखे चलाने की छूट रही। करीब 3 सप्ताह से प्रदेश के बेरोजगार युवा शहीद स्मारक पर बैठे हुए हैं। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले ये धरना दिया जा रहा है। अभ्यर्थियों की मांग है कि सरकार विभिन्न विभागों में लंबित भर्तियों की विज्ञप्ति जल्द ही जारी कर भर्ती प्रक्रिया पूरी करे। महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव ने बताया कि सरकार विभिन्न प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक करने में सक्रिय लोगों, नकलचियों, डमी अभ्यर्थियों और फर्जी डिग्री डिप्लोमाधारियों पर उचित कार्रवाई के लिए गैर जमानती अध्यादेश लाने सहित बेरोजगारों की कई मांगे अभी तक भी लंबित हैं। लेकिन सरकार की ओर से कोई एक्शन नहीं लिए जाने पर बेरोजगारों ने सिर पर काली पट्टी बांधकर और भूखे पेट रहकर काली दिवाली मनाई। साथ ही चेतावनी दी कि राज्य सरकार ने जल्द ही मांगे नहीं मानी तो बेरोजगार यूपी में प्रियंका गांधी की रैली में कूच करेंगे और विरोध जताएंगे। देखो, पिछले 21 दिन से हमारा संघर्ष चल रहा है। हम शांतिपूर्वक गांधीवादी विचारधारा से पहले अनशन किया, कुछ लोगों को डेंगू हो चुका है, लेकिन हम लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी 21 सूत्रीय मांगों को लेकर 21 दिन से बैठे हमारी मांगें पूरी करें, लंबित भर्तियां पूरी करें, नई भर्तियां निकालें, अध्यादेश लेके आए, मुक्त में वापस ले, 12 जगह कोटा समाप्त करें और तमाम जो लिखित में समझौता हुआ था 23 फरवरी को उनको मांगों को सरकार पूरा करे। हालांकि 3 बार वार्ता का दौर हो चुका, कल भी वार्ता के लिए हमारे निमंत्रण आया था लेकिन हमने कहा आश्वासन नहीं, हमें परिणाम चाहिए। मांगे नहीं मानते हैं तो हम अभी बहुत जल्दी हमारी तैयारी हो चुकी है, हम उत्तर प्रदेश में कूच करेंगे, प्रियंका गांधी जी की रैलियों में विरोध रूप कूच करेंगे, उसके बाद युवा विरोधी सरकार और युवा जागरण अभियान राजस्थान में चलाएंगे। क्योंकि हमारी लड़ाई सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से और पार्टी से नहीं है, हमारी लड़ाई है हमारी मांगों को लेकर। यदि मांगे पूरी करते हैं तो हमारी वो मांगे पूरी करते हैं तो हम लोग इस आंदोलन को, अभियान को रोक देंगे, अन्यथा हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेंगे। वाजिब मांगों के लिए और जो मंत्रियों से लिखित में समझौता है उन मांगों के लिए हमारा संग्राम जारी है। प्रदेश के मदरसा टीचर्स भी लंबे समय से धरने पर बैठे हुए हैं। ये सरकार से नियमित करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपना वादा नहीं निभाया और उनकी मांग को पूरा नहीं कर रही है, ऐसे में वे सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार से मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द नियमित किया जाए। लंबे समय से चल रहा है सब, ये नियमितीकरण के लिए चल रहा है। 30 सालों से अस्थायी कर्मचारी हैं
और परमानेंट नहीं करने के कारण यहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा है। ये 15 दिन हाँ लंबा रहेगा, अगर सरकार निर्णय सही नहीं लेगा तो और आगे बढ़ेगा। एक्चुअली कर्मचारी महासंघ एकीकृत के घटक संगठन है, मदरसा पैरा टीचर शिक्षा कर्मी पैरा टीचर संघ, इनका संयुक्त संघर्ष समिति का धरना नियमितीकरण की मांग को लेकर पिछले 15 दिन से 17 दिन हो गए। आज आम अनशन बैठे शमशेर गाँव बालू, हमारे रमान सिंह जी, दुर्गा जी वैष्णव, सभी 5 हमारे शिक्षाकर्मी मदरसा 6 जने अनशन में बैठे। सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही, एकमात्र मांग नियमितीकरण है। पिछली सरकार ने कमेटी बनाई, उसमें कोई निर्णय नहीं लिया। इस सरकार ने आते ही माने गहलोत साहब ने बी डी कला साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनाई, उस कमेटी में निर्णय नहीं लिया, जबकि सरकार ने वादा किया था कि हम आते ही संविदा कर्मियों को नियमित करेंगे। कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में सरकार ने वादा किया था कि आते ही हम सबसे पहले हमारी सरकार बनती है हम संविदा कर्मियों को नियमित करें, लेकिन अभी तक इस दिशा में सरकार को 3 साल पूरे होने जा रहे हैं लेकिन कोई सकारात्मक निर्णय होता नजर नहीं आ रहा। सर मेरा नाम परवीन बानो, टोंक डिस्ट्रिक्ट निवाई तहसील, मदरसा पैरा टीचर। देखिए सर, हमारी शुरू से ही एक मांग रही है, सिर्फ और सिर्फ नियमितीकरण। हम सरकार से केवल ये चाहते हैं कि जो उन्होंने अपना मैनिफेस्टो में जो वादा किया था उसके अनुसार वो हमें परमानेंट कर दे। इससे ज़्यादा हमें गवर्नमेंट से कुछ नहीं चाहिए। अगर आज वार्ता के लिए हमारी जो कैंडिडेट है वो गए हुए हैं, अगर आज सरकार हमारी बात मान लेती है तो ठीक है, वरना हमारा जो धरना है वो इसी तरह से चलता रहेगा और हम काली दिवाली यही मनाने के लिए बैठे हुए हैं गहलोत सरकार की आंखों के नीचे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हैप्पी दिवाली।